वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए नौकरी की जानकारी लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ NPCIL की, यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए आई थॉट कि आज जो है आपके लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो लेकर आ जाता हूँ। इसका नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आ गया था। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, लेकिन किस तरीके से उन्होंने समझाया, किस तरीके से नहीं समझाया, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो पूरा क्राइटेरिया इसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। भाई देखो, सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको यही बताऊंगा, इसकी जो लास्ट डेट है 31 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। आज 7 तारीख है, इवनिंग तक इसका फॉर्म जो है आपके लिए ओपन हो जाएगा, क्योंकि आज ही इसका फॉर्म ओपन होना है। मैं लिंक अभी तो आपको नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही इसका फॉर्म ओपन होगा आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं पोस्टिंग की बात करूं तो यहां पर आपके लिए गुजरात में ही पोस्टिंग होगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से भारत के अप्लाई करें। वैसे ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और भाई देखो, अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, इस नौकरी का वैसे टफ लेवल होता है थोड़ा, इसका रिटन टेस्ट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल रहा है कि आपको सिलेक्ट करने के बाद आपकी 1-1.5 साल ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद ये डिपार्टमेंट आपको परमानेंट कर देगा। तो एक अच्छा मौका है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप एलिजिबल हैं और गुजरात में जाके नौकरी कर सकते हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर फिल करना। बाकी गुजरात वाले बच्चों को तो बोलूँगा कि फॉर्म जरूर फिल करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं बोल रखा है कि फ़ी कितनी है। तो फ़ी का क्राइटेरिया या तो हमें तब पता चलेगा जब हम फॉर्म फिल करने जाएंगे, लेकिन जैसा इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि फ़ी है ही नहीं, तो आई थिंक फ़ी जो है यहाँ पर नील होने चाहिए, यानी ज़ीरो होने चाहिए। बाकी जब फॉर्म फिल करेंगे तब हमें प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको पूरा क्राइटेरिया समझाऊंगा कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो वीडियो आपको पूरी देखने पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपका स्टेफेनरी ट्रेनी में आपका साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 में, और साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पर बी एंड यहाँ पर स्टेफेनरी ट्रेनिंग में आपका जो है टेक्नीशियन कैटेगरी 2 में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं कि स्टेफेनरी ट्रेनीज में यानी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 में डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसके बाद जो है केमिकल है। अब भाई ये मत सोचना कि आप जो है यहाँ पर हर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, आप देख लेना किस में अवेलेबल है SC की, किस में अवेलेबल है ST की, तभी आप अप्लाई करना। अगर अवेलेबल है तो ही अप्लाई करना, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देना। आगे हम इसकी एज देखते हैं, तो एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल है, ट्रेनिंग का पीरियड 1.5 साल है, इसके बाद ये परमानेंट आपको कर देंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बी पार्ट की, तो यहाँ पर आपके लिए वही है पूरा का पूरा क्राइटेरिया साइंस ग्रेजुएट के लिए, इसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट रखा हुआ है, 6 पोस्ट है टोटल। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सी की, तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल की पोस्ट 7 है। एज की बात करें 18 से 30 साल है, उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेनिंग का फिक्स पीरियड नहीं रखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर की, तो प्लांट ऑपरेटर में आप देख सकते हैं 51 पोस्ट है। अभी क्वालिफिकेशन आपको नीचे बताऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ITI की बात करें तो ITI में यहाँ पर मेंटेनर के तौर पर आपको हायर किया जाएगा, जिसमें आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका मशीनिस्ट है और डीजल मैकेनिक, ये पोस्ट आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लेना कितनी कितनी पोस्ट बैकलॉग में है करंट में, तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कैटेगरी वाइज। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हम बात करते हैं ये हैंडीकैप से रिलेटेड कुछ चीज़ें, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो ये आप लोग पढ़ लेना जो जो लोग डिसेबल्ड हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन में समझा रखा है, मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इस तरीके की कैटेगरी मेरे चैनल से ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई है। अगर वो बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम से उनके बारे में भी मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाया करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वालिफिकेशन नहीं समझी तो समझो कुछ नहीं समझा। तो यहाँ पर ये आपके लिए स्टेफेनरी ट्रेनी जो आपका यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट है ST और SA जिसे शॉर्ट फॉर्म में रखा गया है, यहाँ पर कैटेगरी 1 में डिप्लोमा होल्डर्स जो है आपका इन इंजीनियरिंग, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी हुई है जो है आप, ये है आपकी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद नोट लेस देन 60% मार्क्स, आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए और आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और
ये जो यहाँ पर इन्होंने डिसिप्लिन रखे हुए हैं, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये आपका चल जाएगा रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और यहाँ पर वे बोल रहे हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन आफ्टर SSC या HSC, ठीक है, ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद अगर आपका ये नहीं है तो ये वाला पार्ट भी चल जाएगा। कैंडिडेट्स विद HSC प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE विद 60% और अबव मार्क्स आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो आपका HSC प्लस 2 वर्ष की इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है आपका, जो आपका AICTE से मान्यता प्राप्त हो, उसमें 60% से ज़्यादा या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपका, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका 10th SSC प्लस ITI के बाद डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में आपका यहाँ पर आपने एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से समझाऊँ तो कैंडिडेट्स वो हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th यानी SSC प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। तो ये साफ साफ ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने इनके बाद, इसके बाद डिप्लोमा किया है तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर ये एक और क्राइटेरिया बोल रहे हैं कि शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आइदर एज SSC और एट HSC, यानी 10th या फिर 12th आपका जो है एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस कैटेगरी पे आए जो आपका यहाँ पर कैटेगरी 1 में ही साइंस ग्रेजुएट जो है, इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखी है, तो आपका या तो BSc होना चाहिए, BSc विद अ मिनिमम 60% मार्क्स, और BSc शैल बी विद केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपका जो है स्टैटिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका चल जाएगा, या फिर विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स एट HSC यानी 12th लेवल इज इसेंशियल, यानी अगर आपने मैथमेटिक्स 12th के टाइम पर नहीं पढ़ी तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते इस कैटेगरी से। तो कैंडिडेट्स हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट एलिजिबल। और ये बोल रहे हैं कि जिनका BSc में प्रिंसिपल सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो ऊपर क्राइटेरिया इन्होंने रखा था कि SSC या फिर HSC के टाइम पर आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इस पार्ट पर जो सिविल वाला पार्ट है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए, इन सिविल रिकॉग्नाइज बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन आफ्टर SSC या फिर HSC। ये बोल रहे हैं कि आपका 10वीं के बाद या फिर आपका 12th के बाद आपका डिप्लोमा जो है यहाँ पर 3 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, अगर आपका ऊपर वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो नीचे पे आ जाओ कि कैंडिडेट्स विद HSC प्लस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE विद 60% मार्क्स और अबव मार्क्स आर ऑल्सो एलिजिबल। और ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स वो हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल, जिन्होंने 10th के बाद ITI किया है और फिर उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, वो जो है एलिजिबल यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा ये बोल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि वही सेम क्राइटेरिया SSC या फिर HSC के टाइम पर आपने एक इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ जो प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट है, इसमें आपका 12th पास होना है या फिर आपका ISC यानी विद साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th क्लास, और विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी 12th आपकी साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और आपके जो है 50% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, यानी साइंस वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि 10th क्लास में आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ये पार्ट आपको मैंने समझा दिया। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर ई वाले पॉइंट पे, तो जो आपका ITI वाली पोस्ट है यानी मेंटर की पोस्ट है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर 10वीं पास किया और 10वीं में आपके जो 50% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका 2 साल का ITI आपके पास किया होना चाहिए।
अब आईटीआई, अगर आपने अपना आईटीआई कंप्लीट किया है, एक ये जो है यहाँ पर यानी जनवरी 31 से पहले पहले 2019, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका 2 साल का आईटीआई यहाँ पर मांगा हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, अब इनमें आपका आईटीआई होना चाहिए। इन्होंने कोई यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, आपका SCVT चलेगा या NCVT चलेगा, दोनों इसमें चलेंगे आई थिंक सो। बाकी फॉर्म फिल करेंगे देन वी विल नो, अभी इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। बाकी आई थिंक दोनों को अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों की 1 साल की ट्रेड है, क्योंकि आपको पता है कहीं कहीं जगह पर फिटर भी 1 साल का होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी 1 साल का होता है, तो उनका 1 साल के इस ट्रेनिंग के साथ अगर एक्सपीरियंस भी है 1 साल का तो ये काउंट कर लेंगे, क्योंकि टोटल इन्हें 2 साल चाहिए, चाहे वो आपका 1 साल एक्सपीरियंस मिक्स करके हो या फिर दोनों साल आपका जो है आईटीआई हो। तो ये इस तरीके से मांगा हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि 10वीं क्लास में आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए 10वीं लेवल तक, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें आप जो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये बोल रहे हैं कि नीचे बढ़ते हम, ये कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वही होता है SST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन्होंने कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीज़ें भी रखी हुई है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में ये आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी है इसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आपकी यहाँ पर साइंस ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उसमें आपका मिनिमम 45 kg वेट होना चाहिए, 45.5, और आपका जो हाइट का क्राइटेरिया 160 cm रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा वाली जो पोस्ट है सिविल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो आपकी प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है इसमें आपका 45.5 kg वेट होना चाहिए मिनिमम, और आपका जो है यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया 160 cm होना चाहिए। उसके बाद ITI की बात करें, जो आपकी मेंटेनर की पोस्ट है इसमें आपका 45.5 kg वेट मिनिमम और मैक्सिमम जो है 160 cm आपकी हाइट होना चाहिए। क्योंकि यार ये देखो ये इस कैटेगरी में ये क्योंकि आपको थोड़ा वेट भी उठाना पड़ सकता है, वेट यानी कुछ जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर वेट का क्राइटेरिया हाइट के क्राइटेरिया रखते हैं। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी ITI के अलावा वाली पोस्ट है यानी जो यहाँ पर स्टाइफेंडरी ट्रेनी यानी Category 1 की जो पोस्ट है उसमें आपको प्रथम वर्ष 16,000 रुपये दिए जाएंगे, और जब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे तो आपको 18,000 रुपये दिए जाएंगे, और फिर जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको परमानेंट ये कर ही देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ Category 2 में, तो यहाँ पर 10,500 पहले साल और दूसरे साल जो है आपको 12,500, और ये पर मंथ का आपका क्राइटेरिया, ये मत समझना कि ये जो है आपको 1 साल में एक बार ही अमाउंट दिया जाएगा। तो ये जो है आपका बॉन्ड देखो कितना अच्छा दे रखा है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही बोलूँगा कि अप्लाई ज़रूर करना और सिलेक्ट होके आना, इसमें तैयारी चाहिए। और बाकी मैं IOCL की ई-बुक तैयार कर रहा हूँ, वो कैसे ना कैसे आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगा। उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी, अगर मार्केट से खरीदेंगे तो 400 रुपये की मिलेगी, बाकी मैं आपको जो कोशिश करूँगा कि 70-80 रुपये में प्रोवाइड करवा दूँ। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो Category 1 है इसमें आपकी सैलरी बढ़ाकर 35,400 कर दी जाएगी, और जो आपकी यहाँ पर ये वाला पार्ट है Category 2 का इसमें आपकी 21,700 कर दी जाएगी परमानेंट करने के बाद। इसका सिलेक्शन प्रोसेस यार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप बस इसका एग्ज़ाम निकाल दो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी Category 1 की, Category 1 में ये आपकी ये वाली पोस्ट की साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो इसमें बोल रहे हैं कि आपकी जो है रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट इसमें ऑनलाइन होता है। इसमें ये बोल रहे हैं कि अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ये टेंटेटिव है, अप्रैल 2019 में टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकती है इसमें। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपको एडमिट कार्ड पर ही पता चलेगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका सेक्शन ABC दिया जाएगा, और पर सेक्शन आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी 120 नंबर के आपका जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे तो उनको 45% मिनिमम लाने पड़ेंगे अगर वो अनरिजर्व से हैं तो, और अगर आप जो है यहाँ पर SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, तो आपको 40% में भी क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, तो ये बोल रहे हैं ये इन केस ऑफ टाई का मामला है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम जो है यहाँ पर डायरेक्टली
इस पर पहुंच जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं उनको 1:5 रेशो के हिसाब से मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा और फिर उसके बाद आपको एक कॉल लेटर दिया जाएगा जिसकी वजह से आप जो है इंटरव्यू में बैठेंगे और वो आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो मई में ये जो है आपको बताएंगे, अप्रैल के बाद में हो सकता है कि ये डेट जो है एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहे, लेकिन ये जो आपके एग्ज़ाम की डेट्स है ये आपके इसी मंथ में हो, जैसा कि ये बोल रहे हैं 2019 के। एक तो आपकी रिटर्न जो होगा अप्रैल में और मई में जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हो गया। हम नीचे बढ़ते हैं, नीचे जो है आपका जो कैटेगरी टू है, कैटेगरी टू में थोड़ा ज़्यादा लेवल है, फर्स्ट में थोड़ा कम था लेकिन इसमें ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसमें आईटीआई वाले बच्चे भी मिक्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर होगा इसमें यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना इस वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले कैटेगरी में नहीं थी लेकिन इसमें है। इसमें गणित जो है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। द एग्जामिनेशन विल बी कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, यानी 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपका मैथमेटिक्स 20 नंबर का आएगा, साइंस जो है आपका 20 नंबर का आएगा और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे 1 आंसर सही करने पर, लेकिन अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं तो उसका 1 नंबर ये काट लेंगे। 3 नंबर सही करने पर मिलेंगे लेकिन गलत करने पर 1 नंबर ये काट लेंगे। और अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं एंड OBC हैं तो 30% में भी आप जो है पास यहाँ पर कर लेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे Stage 2 के लिए। तो Stage 2 में आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल तक पहुँच जाएगा। ऑल दी कैंडिडेट्स आप जो है यहाँ पर Stage 1 को क्लियर करेंगे वो जाएंगे Stage 2 में। द सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर फॉर Stage 2 विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी ITI होगी उसके बेस पर आपका जो सेकंड टेस्ट होगा वो लिया जाएगा, यानी Stage 2 लिया जाएगा। और द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का पेपर होगा। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्लांट ऑपरेटर, अब प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर यह बोल रहे हैं विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस इन HSC, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर में ना ही कोई ITI चाहिए और ना ही कोई यहाँ पर इन्होंने अलग से क्राइटेरिया मांगा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपने HSC में पढ़ाई करी है या फिर ISC में पढ़ाई करी है फॉर जो है यहाँ पर दैट फॉर मेंटेनर ट्रेनिंग दी स्मॉल विल बी इन दियर रिस्पेक्टिव ITI ट्रेड। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो हिंदी में पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी जिन जिन बच्चों को जो जो पॉइंट्स नहीं समझ आए वो एक काम करना, कमेंट बॉक्स में अपने अपने सवाल मेंशन कर देना, मैं क्या करूँगा आपके सवालों को पिक करके एक कॉमन क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर आ जाऊँगा जिससे कि आपके डाउट जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगे, वो खाली इसी नौकरी के लिए होगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये बोल रहे हैं द टेस्ट विल कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर विथ 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर आपको जो है यहाँ पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 30% लाने होंगे, लेकिन अगर आप इन कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 20% में भी यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये परसेंट है, ठीक है, ये जो है आपका। आगे बढ़ते और बाकी अपनी तरफ से भी आप जो चीज़ों को पढ़ के रख रहे हैं यार, ठीक है, मेरे से कोई गलती हो और आप जो है मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे करेक्ट करके आपके लिए फिर दोबारा से एक Q&A वाली वीडियो लेकर आ जाऊँ। तो अगर हम C की बात करें, जो आपकी ITI वाली कैटेगरी है, अब ये स्पेशली ITI वालों के लिए, तो कैटेगरी 2 में आप देख सकते हैं मेंटेनर की पोस्ट के लिए, ये सिर्फ ITI वालों का पार्ट है। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन ईच ट्रेड फॉर स्किल टेस्ट। तो ऊपर वाला पार्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। वन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन दी रेशो 1 पोस्ट 5 कैंडिडेट, यानी 1 पोस्ट के लिए 5 बंदे लड़ेंगे, तो अगर आप क्लियर करते हैं तो उन 5 में से आप एक हो सकते हैं। वेयर एवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा हुआ तब भी जो है आपको 1 पोस्ट पर ही यहाँ पर बैठना पड़ेगा। इन दी ऑर्डर ऑफ मैरिड प्रिपेयर्ड आफ्टर Stage 2, अब उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेंगे, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो फिर आप स्किल टेस्ट में आएंगे। ये बोल रहे हैं कि स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, तो अगर आप स्किल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप जो है भूल जाइए इसको। उसके बाद हम थर्ड पे आए, तो कैंडिडेट
क्लियरिंग दी स्किल टेस्ट, अगर आप स्किल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इम्पैनल किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड, यानी आपकी मेरिट जो है बन जाएगी और आप जो है आगे जो इनका प्रोसेस होगा उसमें आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ जो है हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है, ये एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना और जो चीज़ें ना समझ आए मुझे बता देना, ठीक है। मैं फिर क्यू एन ए वाली वीडियो लेकर आऊँगा, सारा क्राइटेरिया इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। उसके बाद अभी मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है उस पर लेकर चलूँगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनकी वेबसाइट का लिंक और इसके नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये 31/1/2019 से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने और भी चीज़ें दे रखी है, तो इसका फॉर्म जो है आज से स्टार्ट होना है, 7 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज 7 तारीख है तो इवनिंग से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और एक एप्लीकेशन दिया है डिस्क्रिप्शन में, दूसरे नंबर पर दे दूंगा एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो मुझे कॉल करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करने के बाद उसमें आपको सर्च करना है मेरे चैनल का नाम ऑनलाइन, उसके बाद एंड पूरा लिखना, तभी चैनल खुलेगा वहाँ पे उस ऐप में, ऑफलाइन और ज्ञान, यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान, ठीक है, तभी चैनल ओपन होगा। ग्रीन कलर का एक सिंबल दिखेगा, 2 रुपये बनाओगा उस पर, वो आपको अपनी पॉकेट से पे नहीं करने, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे कॉल कर पाएंगे, आपका कॉल अटेंड कर लूँगा और बाकी जो क्वेरीज होगी वो रिजॉल्व कर दूँगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आपको इनकी वेबसाइट पर। तो भाई ये इनकी वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स इन्होंने साइट पर डाल रखी है। इसका फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, आई थिंक इवनिंग तक हो जाएगा, जैसे ही ओपन हो जाएगा वैसे ही आपको जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आगे यहाँ पर आपको जो है क्लिक हेयर टू नो हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस दिख जाएगा, आप ये पढ़ के और अच्छे से देख लेना कि कैसे अप्लाई करना है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप जो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस को टाइम पर पा सकते हैं। और अंत में छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों तक पहुंचा देना जो 2019 में आईटीआई करना चाहते हैं। धन्यवाद।